ये आपने कारोबारी हजरात का तो सुना है, मजदूरदार तबका का सुना है, दुकानदारों की बात सुनी है, आइए वो पुलिस एहलकार जो चौकस रहते हैं और हफाजती इकदाम के हवाले से अवाम नाज बड़ा सुकून का सांस लेती है और जब वो फौरन कॉल करती है तो क्या ये पुलिस एहलकार भी टाइम के मुताबिक वहाँ पर पहुँचते हैं? आइए इन्हीं की जबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, माशाल्लाह आप भी यहाँ पर चौकी में मौजूद होते हैं, जब 15 पे कॉल होती है या चौकी की तरफ कोई कॉल जाती है कि भाई फौरन ये मसला बन गया, क्या टाइम के मुताबिक पहुँच जाते हैं? अगर रोड अच्छी हो तो फिर तो 5-6 मिनट में पहुँच जाते हैं, अगर रोड अच्छी हो तो फिर मुश्किल है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं आपको भी रोड की वजह? बहुत ज़्यादा, हमें सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। कोई ऐसा कोई वाक़ा हुआ हो कि कोई पर वक्त आपको इतला मिली हो और आगे से वो चोर भाग गया हो, डाकू भाग गया और आप पीछे रह गए? नहीं, ऐसा तो कोई वाक़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप क्या मैसेज देते हैं कि अपने आला हुकाम को इस हवाले? आप भी मुतासर होते हैं? जी, हम बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, हमारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अक्सर तो जल्दी फंस जाते हैं, जल्दी फंस जाते हैं। आपने देखा कि ये मुहाफिज भी मुतासर हैं इस हवाले से, उनका भी बताना यही है कि अगर बर वक्त इतला मिले तो हमने भी बहुत सारी इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जब इस तरह के टूट फूट का शिकार रोड्स होंगे तो बड़ी मुश्किल से हम भी पहुँचते हैं, किसी वक्त हम कीचड़ में फंस जाते हैं, किसी वक्त हम भी बहुत ज़्यादा मुतासर और हादसा का भी शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा हमारी भी अपील है कि ज़रूर ये रोड की तमीर होनी चाहिए, अगर रोड कारपेट होंगे अच्छे होंगे तो हमें भी जो 15 पर कॉल आती है हम भी बस वक्त वहाँ पर